हेलो, दिस इज़ सूरज सिंह सेंगर और आप अपने आप चैनल पे हैं जिसका नाम है विजार्ट एकेडमी। देखिएगा दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे स्क्वायर के लिए, वो बहुत ही उपयोगी हैं, ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मगर आपके जनरल लाइफ में भी। आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्लास में हों, ये स्क्वायर एक ऐसी ट्रिक या क्यूब एक ऐसी ट्रिक होती है कि आपको हमेशा वो उपयोगिता उसकी बताती रहेगी, ठीक है ना। देखिएगा, आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है ना, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आप वीडियो पढ़ा करें तो उसको देख करके अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दिया करिए। इससे क्या होता है, इससे एक पैनल बनेगा जिससे काफ़ी सारे कमेंट आएंगे, जिससे मैं देख करके बता पाऊँगा कि उसमें मुझे क्या और ऐड करना है या क्या नहीं ऐड करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, देखिएगा वीडियो की जो अंदर पैटर्न पड़ा होता है, मटेरियल पड़ा होता है, उसको अच्छे से देखें, अपितु ना केवल देखे उसकी प्रैक्टिस करें, तब उससे ले पाएंगे। मेरा विश्वास है, काफ़ी लोग मेरे से जो पढ़ते भी रहे हैं वो भी जानते हैं कि मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, उनके बहुत काम आया, ठीक है ना। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, जो मेरे परिवार दर्शक हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, वो हमेशा इससे लाभ उठाते रहेंगे और मैं वीडियो की ट्रिक आगे डालता रहूँगा और मैं आगे भी कॉम्पिटिटिव के कई एग्जामिनेशन बताता रहूँगा। दोस्तों, बस आपसे यही चाहिए कि आप इसको ढेर सारे प्रैक्टिस करिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बोला था मैं क्यूब की ट्रिक लाया हूँ, तो मैं क्यूब की शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। आप जैसे स्क्वायर की प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे क्यूब की ट्रिक प्रैक्टिस करिएगा। नए सब्सक्राइबर जो हैं वो पुराने मेरे आई का ऑप्शन आ रहा होगा आपके राइट साइड पर, उसको क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख करके स्क्वायर की जी भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। पहली बात तो मैंने सभी कवर करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा पैटर्न तो उससे बाहर वो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया है और काफ़ी आपको सीखने को वो मिलता है। चलिए देखते हैं आज के पैटर्न पर क्या है क्यूब की विधि, देखते हैं। क्यूब ऑफ नंबर्स, मेरी हेडिंग है क्यूब ऑफ नंबर्स। किसी का भी मेरे को क्यूब निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं और देखिएगा, इसको आराम से देखेंगे, आराम से सीखेंगे क्या मतलब है इसका। जैसे सपोज करिए मेरे को 24 का क्यूब निकालना है, जैसा मैं बता रहा हूँ 24 का मेरे को क्यूब निकालना है और 24 का क्यूब मैं निकालूंगा, तो देखिए इसमें कुछ विधियाँ आपको याद रखनी पड़ेगी। आपने स्क्वायर मेरे से पढ़ रखा, आपको पता होगा मेरे को, मैंने कितने अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेन करा है। ऐसे मैं क्यूब को करूंगा, जरा बस आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। देखिएगा आपको इस तरफ से जो लेफ्ट साइड से उस नंबर का क्यूब कर देना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ठीक है। और फिर आपको फर्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा, तो आपको पहले नंबर का क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब ये लेफ्ट साइड का है, ठीक है ना, ये राइट साइड का है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का है, तो यहाँ पे क्यूब ऑफ ऐसे फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर होगा, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, बात याद रहेगी। फिर आपको देखिएगा जो नंबर दे रखे हैं उनका देखिएगा मैं क्या कराऊंगा, साइड में जरा ध्यान दीजिएगा, इस नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके बगल वाले नंबर से होगा और क्यूब है इसलिए 3 टाइम कराएंगे, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर जिसका आपने क्यूब करा था अभी, फिर इससे बगल वाले से मल्टीप्लाई कराइए और इसका कितना टाइम करा देंगे, 3 टाइम करा देंगे, ठीक है ना। तो फिर ये कितना आएगा, 48। और लिखने का तरीका देखिएगा आप, लिखने का तरीका होगा कि इसके नीचे ऐसे लिखेंगे कि केवल एक नंबर बाहर निकले, बस एक नंबर बाहर निकले, जैसे 48 की एक नंबर बाहर निकला और 4 नीचे, एक नंबर बाहर निकले। इसी प्रकार तो हम सेकेंड स्टेप डाल देंगे, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, और इंटू 3। मैंने ऐसे डाल दिया है, आपको यहां समझ में आ गया होगा। एक मैं थर्ड वाले में क्या लूंगा, थर्ड वाले में भी आप देखिएगा तीसरा स्टेप होगा, इसमें 3-4 स्टेप में निकलता है, तीसरे स्टेप में आप उल्टा करना, आपको सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर करना है, फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 टाइम्स करना है, 3 हमेशा क्यूब के लिए, 3 हमेशा। जब आप इसका इंटू कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 टू जा 48, 48 3 जा जितना भी होगा, तो यहाँ 3 टू जा 6 हो जाएगा और 66 जा कितना होता है, 96, तो यहाँ पर लिख देंगे 96। और कैसे एक नंबर केवल बाहर निकले, तो ये लिख दिया 96, ठीक है। और लास्ट वाले नंबर का क्यूब, तो द क्यूब ऑफ लास्ट नंबर, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तो आपको सेकेंड या थर्ड स्टेप में लिख देता हूँ, थर्ड में आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर,
सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर और मेरे बच्चों इंटू थ्री, तीन स्टेप हो गए। ये पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ लास्ट नंबर। क्या लिख दूंगा मैं फोर्थ स्टेप में, क्यूब ऑफ लास्ट नंबर, ये कर देना मेरे बच्चों। तो क्यूब ऑफ लास्ट नंबर करेंगे तो फोर का क्यूब होता है आपको याद होगा 64, और लिखना कैसे है, एक एक नंबर बस केवल आगे जाए, बस आप इनको सबको जोड़ दीजिए, आपका आसानी से अंक क्यूब आ जाएगा। दोस्तों मेरे को लिखाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एज इट इज प्रैक्टिस पे आएंगे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिएगा इसका क्यूब मैं जोड़ूंगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, 12 कैरी 1, 8, 9, 17, 17, 1, 18 कैरी 1, यहाँ 9, ए सॉरी 8, 4, 12 और 1, 13, ठीक है, 4, 12 कैरी 1, 71, 18 कैरी 1, ठीक है, तो इसका क्यूब आसानी के संग आ गया। चलिए दोस्तों मैं दूसरे नंबर लेकर के आपको वो भी बताता हूँ, देखते हैं वो नंबर कैसे। देखिएगा ये 46 मैंने लिख दिया है, अब 46 में मैंने ये विधि नहीं मिटाई है, आपको मेरे संग रिवाइज करना है, बोलना है, कैसे बोलना है, थोड़ा सा याद भी रखना है और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, तो आपके वो एज इट इज उंगलियों पे आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको बहुत आसानी समझ में आएगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा क्या है, आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है दोस्तों। फिर सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, ये स्टेप थर्ड है, ये स्टेप फोर्थ है। सेकंड स्टेप क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, मैं साइड में करके दिखाता हूँ, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर कितना होता है, 4 का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई, इस बार सेकेंड नंबर 6 है और इंटू 3 कराना है मेरे को, इंटू 3 कराएंगे, ठीक है ना। अब मैं दिखा देता हूँ इसका, 16 6 96, 4 का स्क्वायर 16 6 96, इंटू 3 कराएंगे 18 1 288। अब देखिएगा 288 कैसे जोड़ेंगे, ऐसा रखना है इसमें कि हमारा जो वैल्यू जाए वो एक अंक आगे निकले इससे, बस ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ऐसे रखना है केवल एक अंक बाहर निकले, केवल 8 बाहर निकलेगा और 8 ये होगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बाहर निकले, केवल एक अंक बाहर निकले इससे, ठीक है। फिर क्या करना है थर्ड स्टेप में, भाई उल्टा फर्स्ट सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना है मेरे को, फिर क्या करना है, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर थर्ड स्टेप में करना है, ये थर्ड स्टेप है मेरे बच्चों, स्क्वायर ऑफ थर्ड सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से इंटू इंटू थ्री करना है, करता हूँ मैं, देखिएगा 6 का स्क्वायर करना है मेरे को, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहीं दिखा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको और आसान समझना है, तो लिख दूंगा स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई इंटू थ्री, ठीक है ना। देखिएगा 36 का स्क्वायर 36 और 3 से करेंगे 108, इंटू 4 कर देंगे तो कितना आएगा 32 into 4, 432, कितना आएगा 432, और लिखेंगे कैसे, केवल एक नंबर बाहर जाए मेरे बच्चों, तो 2 बाहर निकल गया, कैसे लिखेंगे 3, 4, इसको लिखने का गेस्चर याद रखना, केवल इससे एक नंबर बाहर निकल पाए, ठीक है ना। और लास्ट वाले नंबर का क्यूब कर देना, आपको पता है 216 होता है, लिखना कैसे 216, ठीक है, और बस ऐड कर देना है, आपका नंबर एज इट इज बहुत आसानी के संग आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर होगा 6 3 8 3 11 11 12 13 3 कैरी 1, 4 8 12 12 4 16 16 1 17 कैरी 1 6 2 8 1 9, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखेंगे हम लोग इसका कैसे आसानी से निकाल दिया मैंने, ठीक है। चलिए 6 2 1 3 8 3 12 8 3 11 2 13 कैरी 1, ठीक है। देखिएगा अगले मैं और कुछ दिखाता हूँ, उसको भी ध्यान देंगे। देखिए अब देखिएगा मैंने आपके सामने 27 का भी क्यूब लिख लिया, अब आपको मेरे संग साथ साथ रिपीट करते हुए बोलना पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले बोलेंगे आप क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 2, क्यूब कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर 2 का, अब देखिए कितनी जल्दी करना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, साइड में लिख लीजिए। सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, सेकेंड नंबर इसका 7 है और यहाँ पर इंटू 3 आ गया, 7 3 21 21 3 4 84, तो आपको 84 कैसे लिखना है, 4 केवल बाहर जाएगा 8 अंदर रहेगा ऐसे करके, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर 49 होता है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 इंटू 3, तो 3 2 6 हो गया, 3 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, बात याद रखेंगे, 49 into 3 2 6 5 और 29, ठीक है ना, 294, और 294 कैसे लिखना है, और 294 आपको ऐसे लिखना है कि आपको एक अंक बाहर जाए केवल बाकी नहीं, जैसे 4, ठीक है, 4 9 2, केवल एक अंक बाहर जाए ऊपर वाले से,
बाकी और कोई। और लास्ट आपका स्टेप आपको क्लियर ही होगा, आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, और चौथा लास्ट स्टेप होता है इसका क्यूब। इसका क्यूब कितना होगा? 343। आपको कम से कम 20 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो 343 ऐसे लिखेंगे, एक केवल अंक बाहर जाए। अब इसको आप जोड़ दिए 3, 4, 4, 8, 9, 4, 13 और 3, 16, 16 कैरी 1, 8 और 16, 16, 17, 18 और 1, 19। तो आपका ये 1683 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल भी देखते हैं। देखिएगा, जैसे 47 का क्यूब करना है, फिर आप मेरे संग बोलेंगे क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, तो बोलेंगे भैया क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर का मतलब हो गया 64 हो गया इसका तो क्यूब, ठीक है ना, पहले नंबर। फिर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर से इंटू करेंगे 7 करेंगे, इंटू 3 टाइम करेंगे। तो इसका कैसे लिखूंगा मैं, देखिएगा, 7 3 21, 16 इंटू 21, 21 6 126, तो 12 कैरी 21 21, और 12 कितना होता है, 21 और 12 होता है 33, तो 336 आ गया। तो कैसे लिखना है, 336 एक नंबर आगे जाए केवल, ठीक है ना। देखिएगा, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर थर्ड स्टेप में और फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इंटू 4 इंटू 3, तो ये 49 इंटू 12 हो गया, 12 9 108, 10 कैरी, 12 4 48, 588 और 10 58, 588 आ गया। कैसे लिखेंगे, 588, अब तो आप दोस्तों फैमिलियर हो गए होंगे, 7 का क्यूब होता है 343, आप जोड़ दीजिए इसको, एक अंक आगे निकलते रहे, 3 8 4 12 कैरी 1 6 1 7 7 और 8 15 और 3 18 कैरी 1 4 3 7 और 12 और 1 13 कैरी 1 6 3 9 और 1 10। आपका उत्तर आ गया 103823। तो देखिएगा, देखिएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यूब की ये प्रैक्टिस हो चुकी है और क्यूब के आप आसानी से निकाल सकते हैं क्यूब। दोस्तों इसमें 1 से लेकर 20 तक क्यूब आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। क्यूब शॉर्टकट होगा भी तो क्या फायदा, 20 तक क्यूब तो लर्न कर ही सकते हैं ना, उसके बाद अपना आप एज इट इज ऐसे बनाते चले जाइए, जितना होगा आराम से निकाल सकते हैं एनी नंबर का, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट्स बताएंगे, देखिए कुछ मैं इसमें और बताऊंगा अगले वीडियो के बारे में, थोड़ा सा सस्पेंस खोल देता हूं मैं, अगले वीडियो आपके शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बताऊंगा। बैंक में बहुत काम आता है भाई, है ना, और आजकल सीजीएल भी इतने पैटर्न पे दे रहा है, वो भी काम आता है, रेलवे में बहुत काम आता है आपके, और आपकी जनरल लाइफ में भी बहुत काम आएगा भाई, है ना। वैदिक मैथ ऐसी मैथ होती है जिसमें आपका जनरलाइजेशन है, और ये अपना नहीं है, है ना, ये सब प्रैक्टिस सेशन का ही नतीजा है जो होता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत पहले इन संग पे खोज जारी कर दी थी और हो चुका था वो सब चीज़ें। हम लोग सिर्फ इस पर काम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा मैं बता पाता हूँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे मल्टीप्लिकेशन बताऊँगा। इसमें एक देख लीजिएगा, आप मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए, आपको पसंद आएगी आप कमेंट करिएगा, मैं आगे और भी डालूंगा, अगला वीडियो तो बनेगा ही और मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिएगा वो वीडियो क्या होगा, देखिएगा देखिएगा उसका वीडियो कैसे होगा। दोस्तों देखिएगा, आपको मेरे पुराने वीडियो जब स्क्वायर बताया था तो मैं बताया था स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट नंबर टू 10, 100, 1000, 8 etc. इसी प्रकार आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूँ तो आपको समझाऊंगा कि अगले वीडियो में कितनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक होने वाली होगी, आप किसी का भी मल्टीपल आराम से कर पाएंगे। लेकिन पहले मैं एक इसमें ट्रिक सिखाना चाहता हूँ जो नियरेस्ट 10, 100, 1000 के करीब होगी। देखिएगा ये ट्रिक क्या होगी, इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करिए आपको आपको बोल दिया जाए कितना भी बड़ा नंबर बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए 92 × 96 करो। देखिए इसको बेस से करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे मैंने आप स्क्वायर आपको बताया था बेस रूल से, याद करिएगा अगर आप मेरे संग लास्ट प्रैक्टिस करना कर रहे थे तो उसमें बेस रूल से करेंगे, देखिएगा कैसे होता है। देखिएगा बेस से बात करते हैं आपको कितना आसान पड़ेगा एग्जामिनेशन में, देखिएगा देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का पैटर्न ही सबसे अच्छा चीज़ होती है। 92 का बेस किसके पास है, कहेंगे सर आप 100 के पास है। कितना पीछे है, कहेंगे सर आप 8 पीछे हैं, 100 से 8 पीछे है ना 92। और 96 कितना पीछे है मेरे बच्चे, तो कहेंगे सर 96 4 पीछे है। तो देखिएगा कैसे कराता हूँ मैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा और इसको कैसे कराना है जरा समझेंगे। देखिएगा अगर आपको इसके क्रॉस लेना पड़ेगा, मतलब इसके लिए ये लेना पड़ेगा और इसके लिए ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा आप 92 में 4 लेस कर दीजिए तब भी 88 आता है, 96 में से 8 लेस कर दीजिए तब भी 8 आता है, मतलब इसमें से चाहे इसको लेस कर दीजिए, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे बाबा, और अगर 96 में यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो अभी मैं और भी प्लस वाले भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर माइनस है तो 90 पहले जो भी दिख रहा है प्लस दिख रहा है तो प्लस प्लस इस वाले नंबर से इससे संबंध स्थापित करेंगे, या इस वाले नंबर से कोई एक इसका संबंध स्थापित करेंगे, चाहे इससे इसका कर दीजिए चाहे इसका इससे कर दीजिए। 92 में से 4 लेस किया, कितना बचा मेरे बच्चों, 92 में 4 गया बचा 88, ठीक है।
तो मैं लिख देता हूँ इसमें 92 में से चाहे आप 4 लेस कर दीजिए, चाहे 96 में से इसका क्रॉस क्या दे रखा है 8 लेस कर दीजिए, दोनों में 88 ही आएगा, कोई एक कर लेना आप, है ना। अच्छा, इसका बेस किसके पास है तो कर कहेंगे बेस वैल्यू, सर मैंने आपसे स्क्वायर पढ़ा इसका 100 के पास बेस वैल्यू, ये लिख लिया देखो मेरे बच्चों। और उसके बाद इन दोनों नंबर का मल्टीपल, देखिए माइनस का 8 और माइनस का 4 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 8 माइनस का 4 तो प्लस का 32 आएगा, यानी 32 इसमें ऐड करना है मेरे बच्चे, क्या करना है ऐड करना है, जब आप ऐड करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा 8832। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना सरल है कितना आसान है। मैं इसको एक बार और बताऊंगा बिना इसकी हेल्प से, जरा कोई और नंबर लेकर के फिर आपको सिखाऊंगा पूरे से, देखते हैं अगला एग्जांपल। दोस्तों देखा था आपने, अब मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया था 92 इंटू 96 का 10896 लेंगे, वही बेस रूल से करेंगे। तो रूल आपको फिर से वही पता है, विधि क्या है कि आप लिखने का तरीका ही सबसे महान होता है, कि 108 100 के बेस से कितना ज़्यादा है, तो सर आप कहेंगे प्लस का 8 ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। 96 100 के बेस से कितना कम है, तो माइनस का 4 कम है। मैंने क्या कहा था, रिलेशन बैठाइए, किससे बताइए, रिलेशन बैठाइए, रिलेशन बैठाते हैं, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे बैठाएंगे, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है, या तो 108 में 4 लेस कर दीजिए या 96 में प्लस 8 कर दीजिए, मैंने आपको पिछले में बताया था, या तो इसमें से जो भी इसका सिंबल है वैसे करिए या इसका इसका सिंबल जो भी है, तो हम कोई भी उठा लेते हैं, 108 में 4 लेस कर देंगे तब भी 104 आएगा, या 96 में 8 कर देंगे, मैं फिर से साइड में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, 108 में 4 का संबंध स्थापित हो रहा है और 96 में प्लस का 8 स्थापित हो रहा है, तो देखिए दोनों विधियों में 104 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक मेरे बच्चों। तो कितना आएगा, 104 आ गया। बेस किसके नियरेस्ट है, 100 के बेस नियरेस्ट है, तो 00 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और मैं पहले भी स्क्वायर में बता चुका हूँ, जो नए लोग हैं वो स्क्वायर वाली ट्रिक में जाके देखिएगा स्क्वायर कैसे आसानी से निकला है। फिर इन दोनों नंबर का क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, 84 जा कितना होता है मेरे बच्चों, 32, लेकिन इस बार थोड़ा संभल कर, प्लस का 8 इंटू माइनस का 4 है तो माइनस का 32 होगा मेरे बच्चे, ये बात याद रख लेगा, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाली, तो उसमें लिखा ही होगा, तो माइनस का 32 इसमें लेस कर देंगे, तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा था 3, यहाँ 0, यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेटिव बहुत आसानी से आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और समझ पाएं, देखिएगा, देखिएगा अब आपके सामने 108 और 115 लिखा हुआ है, अब इसको आप वैसे करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें सरल कैसे होता है, देखिए दोस्तों मैं छोटा सा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरा मल्टीप्लीकेशन वैसे अगले वीडियो में पड़ेगा, आपको घना मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, बस उसको आप ढंग से देखिए, उसकी प्रैक्टिस करें, और उसको अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, तभी आप सब्सक्राइब करिए, तभी आप लाइक करिए, अगर आपको सही लगे वीडियो देखने में, ठीक है ना, मटेरियल देखिए उसमें क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, अब मेरे को आपने सर बताया, मैं थोड़ा सा और जल्दी करूंगा इसको, देखिएगा 108 लिखा हुआ, इसका बेस 100 से कितना ज़्यादा है मेरे बच्चों, 8 ज़्यादा, प्लस का 8 ज़्यादा, प्लस माइनस जरूर याद रखिएगा, 115 का बेस 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 15 ज़्यादा है। सर आपने बताया था इसका कंपैरिजन इससे करते हैं और इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, या तो 108 में 15 जोड़ दीजिए या 115 में 8 जोड़ दीजिए, दोनों का मतलब वही है, देखिएगा 15 और 8 लिखेंगे, 8 5 13 23 होता है, ठीक है ना, तो 123 होता है। अब मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, चलिए लिख देता हूं आपके लिए फिर से इजी, 108 में या तो आप 15 जोड़ दीजिए इस तरफ का, या 115 में से 8 जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में 123 ही आएगा, तो कोई भी उठा लीजिए, मैं येलो उठा लेता हूं, है ना, एक आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा बिना किसी मतलब उसके, जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 123 और कितने जीरो बेस के निकट है, तो आप कहेंगे फिर सर इसका बेस आपने कंपैरिजन 100 से करा तो 00 बढ़ा दिए, और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइड में दिखा दे रहा हूं, प्लस का 8 है इंटू प्लस का 15 है, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर आ जाएगा 120 प्लस का, तो 120 प्लस कर दीजिए, आपका उत्तर बहुत आसानी के संग आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते, थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कितना बड़ा नंबर है, आपसे मल्टीप्लाई कराने के लिए कह दिया जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी आपको, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ रखा है मल्टीप्लिकेशन नियरेस्ट हो जाते हैं, ये छोटी सी विधि है, अगले में वैदिक में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अब बस आपको मेरे नियम को दोहराते जाना है, रिकॉलिंग ऑफ माई मैथड, देखेंगे क्या है मेरा मैथड, अब 1018 इसके दोनों के बेस देखेंगे, किसके निकट है सर, ये निकट है आपके 1000 के, तो बेस यहाँ पर इस बार कितना ले लूँगा मैं, 1000 ले लूँगा बिना किसी निसंकोच के, इसका कितना ज़्यादा है 1018, कितना ज़्यादा है मेरे बच्चे 18 ज़्यादा है, किससे 1000 से ज़्यादा, ये बात याद रखेंगे, और 1020 कितना ज़्यादा है इसके 20 से, 1000 से 20 ज़्यादा, क्योंकि बेस इस बार 1000 है, देखिएगा ठीक है ना। अब या तो इसमें ये कंपैरिजन देखते हैं और या तो इसमें ये कंपैरिजन देखते हैं, या तो 1018 में 20 जोड़ दिया, 20 में 18 जोड़ दिया, 1038 हो जाएगा, जब आप इसमें से या तो दोनों प्लस के हैं कोई फर्क नहीं, सिंबल याद रखेंगे, तो या तो इसमें इसमें देखेंगे तो 1038 हो जाएगा, आप नियम सीख चुके हैं,
कोई दिक्कत नहीं। इसका बेस किसके निकट है? 3 जीरो के निकट है, क्योंकि इस बार बेस में कितने जीरो मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर 3 जीरो निकट है। और इसका इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 18 प्लस का 18 है और प्लस ही का 20 है, तो 360 आ जाएगा। प्लस का आप ऐड कर दीजिए 360, बिना किसी झिझक के आप मल्टीप्लाई के निकस्ट हो गए। तो द मल्टीप्लाई ऑफ देना 1018 एंड 1020 1038 360। देखिएगा दोस्तों, आपको मैंने काफ़ी कोशिश करी अच्छा पढ़ाने की। हाँ देखिएगा, आपका ये बन जाता है फर्ज कि जब आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। मेहनत अच्छी लगती है, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही मेहनत आपके लिए करता रहूँगा और नए नए वीडियो लाता रहूँगा, नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। अभी तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए जाएगा, जब मैं आपको एजेस एवरेज कहते हैं आप उछल पड़ेंगे आप अपने बेड से, जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब मेरे आगे चल के ट्रिक्स के देखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए दोस्तों, तो बस आपका फर्ज बनता है। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। स्टे फिट रहिए, हेल्दी रहिए, और हाँ अपना ध्यान रखते रहिए और मेरे संग प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग विद मी।